इंडिया में आजकल दिन पर दिन बड़ी एसयूवीज का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि इस सेगमेंट में आपको काफी सारे ऑप्शंस भी देखने के लिए मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल फोर्ड एंडेवर, पजेरो स्पोर्ट्स, महिंद्रा ऑल्टुरस T4 वगैरह वगैरह। पर एक नाम जो इन पर राज करता है वो है टोयोटा फॉर्च्यूनर। ये गाड़ी अपने सेगमेंट की एक तरह से किंग है। इस गाड़ी ने मानो हम इंडियंस पर अपना जादू सा चला दिया हो। कोई बड़ा बिजनेसमैन हो या कोई मिडिल क्लास बॉय, मोस्टली लोग इस गाड़ी को पसंद करते ही करते हैं। और यही पता है कि इंडिया में ज़्यादातर अमीर लोगों के पास आपको ये कार देखने को मिल जाएगी। तो आज इस वीडियो में इसी कार के बारे में बात करेंगे कि ये कार कब लॉन्च हुई, सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई थी, कौन कौन से फेसलिफ्ट आए, कौन कौन सी जनरेशन आई और भी बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्च्यूनर सबसे पहले थाईलैंड में लॉन्च हुई थी। इसको 2004 में थाईलैंड मोटर एक्सपो में दिखाया गया था और 2005 की शुरुआत से ही इसको वहां पे बेचना शुरू कर दिया गया। ये कार काफ़ी हिट हुई थी थाईलैंड में शुरुआत से ही, और फिर कुछ ही महीनों में देखते ही देखते इसको और भी कई सारी कंट्रीज में बेचा जाना शुरू कर दिया गया। फॉर एग्जांपल सिंगापुर, दुबई, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। इसकी अच्छी सेल्स को देखते हुए फॉर्च्यूनर ने इसमें टाइम टू टाइम चेंज किया और इसकी फर्स्ट फेसलिफ्ट को भी मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसकी फर्स्ट फेसलिफ्ट को मार्केट में टोयोटा ने 2008 में लॉन्च किया था। इसको भी सबसे पहले थाईलैंड में ही लॉन्च करा गया था, उसके बाद कुछ ही महीनों में और कंट्रीज में भी लॉन्च कर दिया गया था। हालांकि एक माइनर फेसलिफ्ट को था, कोई मेजर फेसलिफ्ट नहीं था। टोयोटा फॉर्च्यूनर इन इंडिया, टोयोटा फॉर्च्यूनर को इंडिया में 2009 में लॉन्च किया गया था। आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में फॉर्च्यूनर की जिस जनरेशन को एज अ फर्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर लॉन्च किया गया था वो असल में इंटरनेशनल मार्केट में फर्स्ट जनरेशन की पहली फेसलिफ्ट थी, जिसको कि इंटरनेशनल मार्केट में 2008 में ही लॉन्च कर दिया गया था। इंडिया में फॉर्च्यूनर को जब पहली बार लॉन्च करा गया था तो इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता था, 3 लीटर CRT डीजल इंजन, जो कि सिर्फ 4x4 में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आया करता था। ना ही तो इसमें कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था और ना ही ये कार 4x2 में अवेलेबल थी उस टाइम पर। टोयोटा फॉर्च्यूनर इंडिया में लॉन्च होते ही काफ़ी सक्सेसफुल हुई थी। आप इस बात का अंदाज़ा इसी चीज़ से लगा सकते हैं कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो उसके शुरुआती दिनों में इसकी 5,000 से ज़्यादा बुकिंग्स आ गई थी टोयोटा के पास। और तो और जब टोयोटा ने इसका इस गाड़ी का प्लांट इंडिया में सेट किया था तो उनका एम था कि वो 500 कार पर मंथ बना के बेचा करेंगे, लेकिन महज 2 से 3 महीनों में उनको ये नंबर डबल करके तकरीबन 950 से 1000 कार पर मंथ करना पड़ा था, क्योंकि इस कार की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही थी। और आज की डेट में इस कार की तकरीबन 2 से 2500 यूनिट्स पर मंथ बिक जाती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी सेल्स फिगर है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए, इतनी बड़ी गाड़ी के लिए इंडिया में। जब ये गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई तब ये तकरीबन 22 लाख के आसपास ही आपको मिल जाया करती थी एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से। सेकंड फेसलिफ्ट ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर, टोयोटा ने फॉर्च्यूनर के एक नए फेसलिफ्ट को इंडिया में लॉन्च किया था 2012 में। आपको बता दें कि इस वाले फेसलिफ्ट को इंटरनेशनल मार्केट में 2011 में ही लॉन्च कर दिया गया था। ये फॉर्च्यूनर का एक मेजर फेसलिफ्ट था। इसमें आपको काफ़ी सारे चेंजेस भी देखने को मिल जाते थे, जैसे इसमें नए हेडलैम्प्स आने लगे थे, नए टेल लैम्प्स, नया बम्पर, नई ग्रिल और भी काफ़ी चीज़ें। इसका इंटीरियर भी पुरानी फॉर्च्यूनर से रिफ्रेश्ड लगा करता था। इनफैक्ट इस गाड़ी की जो हाइट थी वो भी पुरानी फॉर्च्यूनर से अब कम हो गई थी और लेंथ इस गाड़ी की पुरानी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा हो गई थी, जो 2009 में फॉर्च्यूनर आती थी उससे। यानी कि अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो ये गाड़ी पुरानी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा लंबी थी लेकिन हाइट में थोड़ी सी कम थी। ये चेंजेस आपको नॉर्मली आंखों से देखने में नहीं पता चलेंगे, क्योंकि ये चेंजेस बहुत ही कम थे और ये काफ़ी माइनर चेंजेस थे, सिर्फ कुछ ही मिलीमीटर के चेंजेस थे, इसलिए नॉर्मली देखने में नहीं पता चलेंगे।
टोयोटा ने फॉर्च्यूनर के इस फेसलिफ्ट में के साथ आपको काफ़ी सारे और ऑप्शंस भी दिए थे, जैसे कि ये कार अब 4x2 में भी आने लग गई थी और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इस गाड़ी में अब मिलने लगा था। लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिर्फ 4x2 में मिलता था, 4x4 में नहीं मिलता था। और 4x4 का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 2015 जनवरी में इंडिया में लॉन्च कराया गया था। सेकेंड जनरेशन ऑफ टोयोटा फॉर्च्यूनर। टोयोटा फॉर्च्यूनर की सेकेंड जनरेशन को इंडिया में नवंबर 2016 में लॉन्च कर दिया गया था। आपको बता दूं कि फॉर्च्यूनर की सेकेंड जनरेशन को इंटरनेशनल मार्केट में 2015 में ही लॉन्च कर दिया गया था। ये कार पुरानी फॉर्च्यूनर से काफ़ी डिफरेंट थी। इसमें आपको दो इंजन मिल जाया करते थे, जो थे 2.8 लीटर डीजल इंजन और 2.4 लीटर डीजल इंजन, ऑटोमेटिक, मैनुअल, 4x2, 4x4 सारे ऑप्शंस के साथ में। फॉर्च्यूनर एज अ टैक्सी। इंडिया में फॉर्च्यूनर को एक बहुत ही रॉयल कार की नज़रों से देखा जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूँ कि कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे इस कार को एज अ टैक्सी यूज़ किया जाता है, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया एक्सेट्रा। तो ये थी टोयोटा फॉर्च्यूनर की पूरी कहानी और उसका पूरा सफ़र इंडिया में। अगर आपको वीडियो जरा सा भी कहीं पे भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा दीजिए इसी तरह की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और कार की हिस्ट्री जानने के लिए। अगर आपको और भी किसी कार की हिस्ट्री जाननी है तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उस कार की हिस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस। थैंक यू।